सर्द सीजन में बर्फीली हवाओं के बावजूद भी कांगड़ा की विश्व प्रसिद्ध बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट में पैराग्लाइडिंग का एडवेंचर खेल जारी है। हालांकि बीते साल इस खेल पर कोविड-19 की मार साफ देखने को मिली है। गुजरे साल की अपेक्षा बिलिंग घाटी में बरसात के मौसम में छोड़ दें तो ऐसा कोई सीजन नहीं जब बिलिंग घाटी में सैकड़ों सैलानी पैराग्लाइडिंग के लिए न पहुंचते हों। बावजूद इसके बीते साल से ही इस एडवेंचर के खेल में बहुत कमी आ गई है। हालांकि इस बीच बॉलीवुड की कई हस्तियां बैजनाथ की इस खूबसूरत घाटी में आकर पैराग्लाइडिंग करके जरूर गई हैं, मगर विदेशों से आने वाले सैलानी इस बार बिलिंग नहीं पहुंच पाए हैं और अगर कोई आया भी है तो उसका आंकड़ा गुजरे सालों में आने वाले सैलानियों की अपेक्षा न के बराबर रहा है, जिसका मलाल यहां सालों से पैराग्लाइडिंग करवाने वाले पैराशूटर्स को भी है। पैराशूटर्स प्रीतम और यश ठाकुर ने बताया कि उन्हें यहां फ्लाइंग करवाते हुए दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर जो बीता साल गुजरा है ऐसा मंदी का दौर उन्होंने कभी नहीं देखा। पैराग्लाइडिंग हुई तो है मगर उस तरह से नहीं हो पाई जैसा कि पहले हुआ करती थी। मेरे को 7 साल हो गए सर। कोविड की वजह से सर यहाँ पे जैसे टूरिस्ट जैसे लोग रोजी रोटी चलता है यहाँ पे सभी लोगों का, तो मतलब उससे काफी फर्क पड़ा हुआ है। पर चलो धीरे धीरे तो चल रहा है, पर कोविड की वजह से काफी कम काम हुआ है यहाँ पे। टूरिस्ट बहुत कम हो गए, मतलब टूरिस्ट ज्यादा कम आ रहा है यहाँ पे और लोकल टूरिस्ट ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब लोकल टूरिस्ट की वजह से चला हुआ है रोजी रोटी। सर आपका नाम? यश ठाकुर। पैराग्लाइडिंग? हाँ जी, पैराग्लाइडिंग प्रोफेशनल पायलट है, पिछले 10 सालों से फ्लाई कर रहे हैं। कोविड की वजह से कितनी मार पड़ी सर? कोविड की वजह से आप पहले ही जानते हो कि मतलब पूरे देश में मतलब ऐसा ही सिस्टम चला हुआ है, तो इतना ज़्यादा काम नहीं है मतलब, और पहले से तो काफ़ी कमी आई है मतलब फ्लाइंग में। बट अभी जो है न्यू ईयर के टाइम में थोड़ा अच्छा रहा, बाकी तो रश है ही नहीं मतलब, फ्लाइंग इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक तो कोरोना थोड़ा दूर हो तो लोगों को थोड़ी रिहाइश भी मिले कि वो थोड़ा घूम सके, तो वो थोड़ा आ सकते हैं मतलब, कि वही है उम्मीद पे ही दुनिया। आप बोला क्या बोल सकते हैं? कोरोना के बीच तो ऑलमोस्ट बंद ही था, बिकॉज पिछला समर तो टोटली आप जानते हैं बंद ही था, और बरसात में वैसे ही नहीं होती है। अक्टूबर से अभी तक मतलब ठीक ही रहा है, मतलब जितना जजमेंट नहीं था उससे काफ़ी अच्छा रहा, बट मतलब काम में इतना ज़्यादा नहीं है कि रेगुलर वर्क हो रहा है या नहीं। सरकार से तो क्या उम्मीद की जा सकती है, मतलब उन्हें थोड़ा देखना चाहिए कि मतलब हाँ टूरिज़्म को किस तरह दोबारा से बढ़ावा दे सकते हैं, कि पर्यटन फिर से मतलब हिमाचल में आ रहा है तो थोड़ा सेफ्टी मेजर्स को सही से एक्ट करके देन मतलब हाँ अच्छे प्रिकॉशंस लेके फिर मतलब जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं लोग करेंगे आएंगे। वहीं बिलिंग पहुंचे सैलानियों ने बताया कि बिलिंग घाटी वाकई ही बहुत खूबसूरत है और उन्हें जैसे ही वक्त मिलता है वो यहां आना नहीं भूलते और यहां जरूर आते हैं। क्या नाम है? स्वीटी। कहां से? धर्मशाला से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यहां घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है ये, कभी आए नहीं थे तो एक्साइटमेंट थी ये जगह देखने की, तो यहां के बहुत अच्छा लगा। पैराग्लाइडिंग होती है यहां पे और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। कोरोना की वजह से मतलब पीछे जैसे मतलब बंद कर दिया गया था इसको, तो अब जैसे खुला है, पर यहाँ पर टूरिस्ट इतना नहीं है कि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है मतलब। बिल्कुल, ये जगह बहुत अच्छी घूमने के लिए, तो मैं फिर से यहाँ आने की चाहूँगी। अच्छा है टूरिस्ट के लिए, बहुत ही अच्छी, यहाँ पे लोकल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनकम के लिए, और जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कोई एडवेंचर्स करने के लिए वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के अलावा भी बहुत सारी साइट्स है ट्रैकिंग के लिए, बहुत अच्छी जगह है। कोविड का कुछ नहीं है, जो कोविड के गवर्नमेंट के जनरल से नियम है उनका फॉलो करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर्स एंड ऑल दैट, छोटी छोटी चीज़ें करो, फिर कोविड का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना मैंने यहाँ पे देखा है सब लोग वैसे यहाँ पे हर चीज़ मेंटेन करके चल रहे हैं, दूरी मेंटेन करके चल रहे हैं ना।